उनका काम तो रिएक्शन तो आपने देख ही लिया, उनको बड़ा मजा आया आज थेरेपी लेके। मैं नहीं लिया, मैंने बस एक ही बार ही थेरेपी ले ली है मैंने, उसके बाद से मेरे को कमर में आराम लग गया है। मैं आपका खून पीता हूँ, ऐसे मत देखो, ऐसे ही मत देखो, चाय गरम करो आप। आपको देख के मुझे शर्म आएगी, आप चाय के चाय गरम। थैंक यू सो मच वीडियो प्ले करने के लिए और देखने के लिए। फिलहाल मेरी रिंग लाइट कर रही है थोड़े से टंट्रम, बट मैं हो गया हूँ लेट और मिस्टर एक्स के बार बार आ रहे हैं फोन और मुझे फटाफट से रेडी होके जाना है बिकॉज मैं आज जा रहा हूँ रोड ट्रिप पे। तो मैं अपने बालों को कर लेता हूँ कवर, फटाफट से शावर लेकर आता हूँ। तो नहाने से पहले मैंने निकाले हैं कपड़े, जिसमें है ये पिंक टॉप और ये हरे कलर का पैंट, पर अब देखेंगे कहीं मैं इसको पहन के गमला तो नहीं लग रहा, और आप लोग बताना। फिलहाल मैं इसको पहन के आता हूँ। गाइस आई एम रेडी फाइनली, और मैं अपने बालों को अभी नहीं नीचे जाके खोलूंगा क्योंकि अभी मेरे हाथ हो रहे हैं गीले, बहुत जल्दी हो रही है मुझे, मैं बहुत लेट लतीफ हूँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा लेट करता हूँ यार। फाइनली वो वाला टॉप यार बहुत ही अजीब सा लग रहा था क्योंकि बिकॉज ऑफ ये बहुत ज्यादा हाई वेस्टेड नहीं है और वो थोड़ा ज्यादा ही क्रॉप है, इस वजह से मैंने उसको नहीं पहना, मैंने ये व्हाइट वाला टॉप पहन लिया आधा से मजबूर। अब मैं इसको इसके कवर अप के लिए मैं पहनूंगा दिस जैकेट। मैंने अपना फोन ले लिया है और मैंने डब्बे में मैक्रोनी भी ले लिए जो मैंने बनाई थी, और मिस्टर एक्स ने मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। फाइनली मुझे लेने हैं अपने गॉगल्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, अपने लगा लेता हूँ मैं बालों में, मुझे ज्यादातर बालों में पसंद है अपने गॉगल्स। और मिस्टर एक्स के लिए भी मैंने ले लिया है, अक्सर उनके लिए खरीदता हूँ, वो अक्सर नहीं पहनते हैं और जब भी मैं पहनता हूँ तो उनको चाहिए होते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ले लिए हैं। अब छूटा क्या मेरा, छूटा है मेरी डायरी जो कि मैं कार में बैठ के एडिटिंग भी करनी है मुझे, और एक पेन, तो मैं वो ले लेता हूँ फटाफट से और मिलता हूँ गाड़ी में। हाय गाइस मैं आ गया मिस्टर एक्स की कार में। हाय मिस्टर एक्स। हाय गाइस। हाय गाइस। यस हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं रोड ट्रिप पे और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आर यू एक्साइटेड? यस यस यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत बहुत समय के बाद अपने घर से बाहर निकलता हूँ कहीं आने जाने के लिए, इसलिए। और या सेम आज वही दिन है कि मैं आज फिर से बहुत दिनों के बाद अपने घर से बाहर निकला हूँ और एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। वैसे हमारा थोड़ा सा काम भी है और मेरा काम है बस रोड ट्रिप एंजॉय करना, क्योंकि ना मेरे को गाड़ी से उतरना है उस काम पे, वो काम मिस्टर एक्स का है और मैं आगे बताऊंगा कि वो काम क्या है। देखो कितना सुंदर सा ही ये इन्होंने मूर्ति बनाई हुई है, कितनी ब्यूटीफुल सी है, भगवान शिव शंकर। नाइस नाइस बम बोले। गाइस पेट्रोल डलवाने का टाइम हो गया है हमारी गाड़ी को, उसकी ड्रिंक फेवरेट, टन टन जल्दी डाल दो भाई हमारी गाड़ी में पेट्रोल, थक गया भाई। मम्मी, मैं अपनी मम्मी को बहुत याद करता हूँ। अंधेरा अंधेरा मुझे लग रहा है, पता नहीं यार फोन में है पता नहीं क्या, बैठे बैठे बम दुख गए। मेरा फेस अजीब हो गया यार, या फिर मेरा फेस चेंज हो गया है, मेरा फेस बिल्कुल ही चेंज हो गया, आई थिंक शेप बिगड़ गई है मेरे फेस की। डाला पेट्रोल, डाल रहे हैं भैया पेट्रोल डाल रहे हैं, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे थे, वी वर डिस्कस अबाउट आर, हमारे घर में एक लेडी है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उनके इतने सारे बेटे हैं उसके बावजूद कोई उनकी वो देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यही डिस्कस करते हुए जा रहे हैं और गुस्सा आ रहा है कि बताओ इतने लोग होने के बावजूद भी उनको कोई देख नहीं रहा है। हाँ काफ़ी देर हो गई, वैसे हम लोग 11 बजे चल रहे थे, इट्स 12:30 PM और अभी का सफ़र हमारा बाकी है, भूख अभी लगी नहीं है मुझे। मिस्टर एक्स गए हैं पौधों को पानी देने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन, इफ़ यू नो यू नो। ये सही है यार जेंट्स लोगों का, उनको जब भी कोई ऐसा नेचर कॉल हो तो वो कहीं भी, वैसे आसपास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, माय राइट साइड एंड माय लेफ्ट साइड इज मिस्टर एक्स। मुझे ऐसी जगह ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे होने चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा हो। अब दिल्ली में यार बहुत ही ज़्यादा वो हो गया, पर दिल्ली वाले लोग भी बेचारे क्या करें, कहाँ चले जाएँ। हाथ धोए आपने? अरे मेरे हाथ, मेरे कपड़ों पर लगा दिए गीले हाथ। ये टॉवल है, ये मेरी पैंट है, किसी तौलिये से कम फील लग रही है। गंदे बच्चे, अरे पीछे साफ हो गया देखो। ओहो तौलिये का कपड़ा ऐसा ही होता है, मैंने तौलिये की पैंट पहन ली है, इसमें मेरी गंदी थोड़ी है। मेरी टॉवल की पैंट नहीं है बता रहा हूं।
ऐसा ज्यादा पसंद है। मेरा घर होना चाहिए ये खेतों वेतों के बीच में, एक छोटी सी झोपड़ी। रात में डर लगेगा। ऐसे ऐसे थोड़ी भूत आ जाएगा। आप हो तो फिर भूत की क्या दिक्कत है? देखो ट्रैक्टर चल रहा है, कितना बढ़िया है, खेती करो बढ़िया से। और दिख रहा है इसे, पता है कहाँ चढ़े? और ये बच्चे देखो कहाँ चढ़े हैं, ये देखो। टैंक जा रहा है ये, टैंक बोलते तो बोलते तो गाइस टैंक, ओ माय गॉड, कौन सा भाई साहब, कोई इसे फोर्स वाले चला रहे हैं या ये बुक करके ले जा रहा है ना? यार ये तो कई सारे जा रहे हैं, ये देखो एक ये रहा, एक उसके आगे जा रहा है वहाँ पर, एक वो जा रहे हैं, एक ये जा रहे हैं। ओ वाओ यार, पहली बार देख रहा हूँ मैंने इसको, या तो मैंने इसको कदर टू में देखा है। तोप के गोले, माय गॉड, मैंने अपने घर पर रहकर तो ये सारी चीजें देखी ही नहीं कभी, क्योंकि मैं अपने घर से कभी बाहर निकला ही नहीं। वाओ, नाइस 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 नाइस, अच्छा है अच्छा है। जैन जैन जैन, ये नया वो हो गया, देख लो ब्लड निकल गया, पता नहीं काहे बात का ये। अरे फिर निकल गया, खरीदो मेरे लिए। अरे रे टोल आ गया। आप इतनी खतरनाक गाड़ी क्यों चलाते हो जी? चोट लग गई, निकले ही जा रहा ब्लड, इतना सारा फिर से खून निकल गया। ये तुम्हारा खून थोड़ी है, मेरा खून है। ये आपका खून है? और क्या है, तुमने पिया आपका? मैं आपका खून पीता हूँ, सीरियसली मैं आपका खून पीता हूँ। पानी पीने के लिए मैंने बोतल उठाई है और इसमें काई जम रही है। कैन यू सी दिस काई पानी के अंदर? कब से पानी रखा हुआ है आपने? ये बोतल सड़ चुकी है, इसको चेंज कर दो। अंदर इसके काई जम गई है। अरे शीशा तो है बट इसका नीचे इसमें जम गई है काई। आप मेरे को दे दिया करो ना, मैं वॉश कर दूं। और कैप में चल गया है ये, इस पानी को कैसे मैं पीऊं? प्लास्टिक का लगा दूंगा। आई कैन नॉट वेयर दिस, सॉरी सॉरी, आई कांट ड्रिंक इट। रख दिया मैं पानी, पानी है गाड़ी में कहीं और? पानी तो मिला नहीं, ड्राई फ्रूट खा के काम चला लेते हैं। किशमिश दो, किशमिश किशमिश खाओगे? किशमिश लो, प्रसाद बाबा जी का प्रसाद है, उसमें किशमिश भी थी और ड्राई फ्रूट में बादाम था। यार इधर ये फॉग कट रहा है, ये देखो कितना फॉग सा हो रहा है। और ये धूप भी क्लियर क्यों नहीं है? कल भी ऐसे ही मौसम हो रहा था। हाँ खाने का टाइम हो गया है, अब हम खाएंगे। मैं मैक्रोनी बना के लाया था जो सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी। आप तो खाओगे नहीं? आप तो खाओगे नहीं? यम्मी मैक्रोनी, मैंने आज मैक्रोनी और नूडल्स को मिक्स करके बना दिया। अब वैसे मैं आपको खिलाऊंगा भी क्यों, मैं तो आपका खून पीता हूँ, है ना? तो अब तो आपको मैं खिलाऊंगा ही नहीं। यम, खिला ही दिया मैंने, बस खिलाता नहीं, बता रहा हूँ। गाइस मैं अपने गांव आ गया हूँ। ये मेरा गांव है, दिल्ली बाया रोहतक, है ना? सही बोला मैंने? यस, दिल्ली बाया रोहतक। और मैं आ गया हूँ फाइनली अपने गांव। ये है मेरा गांव, मुझे ऐसे ही गांव पसंद है। अगल बगल सिर्फ खेत, पेड़ और बीच में रोड। और हम यहाँ पर आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने फॉर मिस्टर एक्स। इस मोड पर आकर हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें किधर जाना है, राइट या लेफ्ट। बट हमने लेफ्ट के साथ अपना राइट डिसीजन लिया है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। So, are you excited? अपने काम के लिए? ओ बेटे, देखा आपने? रजिया सुल्ताना। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कितना सुंदर है।
ये देखो इस रोड से किसे प्यार नहीं होगा, राइट लेफ्ट दोनों जगह खेत हैं, बीच में पेड़ है और बीच में रोडे हैं। यस बीच में रोड है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ज्यादा गाड़ियां नहीं, बस एक लाइन में गाड़ी चलती नजर आती है। बस ऐसे रोड्स अच्छे लगते हैं और ऐसी रोड ट्रिप पर ही मजा आता है भाई, मेरे तो फेवरेट है ये। मतलब मेरा दिल सुकून जहान जान सब यही है, ऐसी जगह होती है शहर से दूर। ये देखो ताऊ इस उम्र में कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं आ गया हूँ फिलहाल रोहतक और यहाँ पर आते हैं किसी काम से, जो कि मिस्टर एक्स का काम है, फिलहाल मेरा नहीं है। और वो गए हैं अपना दिखाने के लिए डॉक्टर को। यस हाँ, तो वो डॉक्टर को दिखाने गए हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कार में, मस्त बैठा हूँ, बट गर्मी लग रही है और मेरे पैर इतने ठंडे हो गए हैं, इतने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, पैरों में एसी चल रहा है और फेस पे गर्मी लग रही है। अब मैं अपने पैरों में दिखाऊँ, मेरे पैरों में इतने खतरनाक निशान बन रहे हैं अंगूठों में। ये देखो मेरे अंगूठों में ये किस चीज़ का निशान है मुझे नहीं पता चल रहा, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना। हो गाइज आई एम स्टिल वेटिंग, मुझे वेट करते करते 2:06 हो चुके हैं, पता नहीं कब से ही वेट कर रहा हूँ मैं। आज वो मिस्टर एक्स का मजाक नहीं चल रहा है, किदा 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 रह गए सी। ओ भाई यार आज तो अजीब ही हो गया। हाँ क्या हुआ? अरे यार क्या मस्त थेरेपी दी उसने मुझे। मैंने बताया मेरा पैर एक ऐसे पूरा बैठ जाता है, एक ऐसे नहीं बैठता, फिर उसने मुझे वहाँ पे टेबल उठा दी, उसके नीचे रोलर टाइप का था, वो गरम गरम था, वो नीचे सिर से लेके बम तक धीरे धीरे घूमते हुए जाता था, फिर वापस आता था, ऐसे नसों को कड़कड़ा दिया उसने, बस पूछो मत। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना हल्का लग रहा है शरीर मेरा। कमरे में ले जाके पाइप पे लेटाया, पाइप पे नहीं पलंग पे लेटाया, उसके नीचे पाइप लगा हुआ था पलंग के नीचे। हाँ वो धीरे धीरे ऐसे चलता रहता था, फिर पलंग चल रहा था। नहीं पलंग नहीं चल रहा था, पाइप उसके अंदर फिट था, वो ऐसे बेलन की तरह चल रहा था। मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आ गया मुझे लगता है। ऐसी देखते हैं, कोशिश करते हैं। गाइस यही था हमारा इम्पोर्टेंट काम जो था थेरेपी लेने का, और थेरेपी लेने के लिए हम लोग कहाँ दिल्ली से रोहतक आ गए, बिकॉज हमारे बैक में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है मेरे ज़्यादा नहीं है, बट मिस्टर एक्स के थोड़े ज़्यादा है। उनका काम तो रिएक्शन तो आपने देख ही लिया, उनको बड़ा मज़ा आया आज थेरेपी लेके, मैं नहीं लिया, मैंने बस एक ही बार ही थेरेपी ले ली है मैंने, उसके बाद से मेरे को कमर में आराम लग गया है। मेरा फोन दिखाओ। ये लो आपका फ़ोन, थोड़ा सा उतरना पड़ेगा। मैं बिल्कुल उतर जाता हूँ, चलो अब मैं जाता हूँ पीछे बैठ में। मैं सोच रहा हूँ मुझे भी करवा लेनी चाहिए थी थेरेपी, ले लेनी चाहिए थी। आपको इतना अच्छा लगा, इतना मजा आ रहा है सुन सुन के ही मुझे। आपको पर्स रह गया यार मेरे पे, मेरा हो गया ये। क्या क्या है इसमें, मेरा हो गया ये। जेंट्स पर्स को मैं रखूंगा। रोड ट्रिप चल रही है और हमने खाया कुछ नहीं है, बट फिलहाल हम लेंगे शकरकंदी। कैसे दे रहे हो भैया? कैसे दे रहे हो भैया? 50 का देते हैं। दे दो एक बढ़िया सा शकरकंदी। चलो फाइनली आपने मुझे कुछ तो खिलाया, भूखा रखा है जब से आपने मुझे। चलो कुछ हेल्दी हेल्दी शकरकंदी ले ली है, एंड लेट्स टेस्ट दिस। आपने टेस्ट किया, कैसी लगी? अमरूद। रोड ट्रिप पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खिलाते रहो, मज़ा आता रहे, तो मैं इसको टेस्ट करूँगा कैसी है। यार ये एक ही क्लिप चल रही है और उसके बावजूद भी आधी में वॉइस है और आधी में वॉइस इसकी गायब हो गई। बाय द वे ये काफ़ी खट्टा था, मुझसे खाया नहीं जा रहा था, ना ही मिस्टर एक्स ने खाया, तो फिर भी मैंने इसको खा के ख़त्म कर दिया, बिकॉज मैं फेंकने में बिलीव नहीं करता हूँ, पैसा गया है चीज़ों में। और प्लीज़ गाइस सॉरी, क्योंकि मैं लिविंग अलोन डायरीज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रखा है और मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा। बाय द वे इसको कंटिन्यू करते हैं गाइस। अब हम रुके हैं, आओ बैठे बैठे मेरे बम दुख गए। हाँ तो हम आ गए हैं बसंत ढाबा पे मिस्टर एक्स की रिकमेंडेशन पे। ये मुझसे कह रहे हैं कि इस पे मैं चढ़ूँ इस पे, और
ये है बसंत, मेरे स्लीपर्स। और ये देखो इनकी फैमिली गाइस, ये एक फैमिली है जो यहाँ पे ढोल बजाती है। अबे यार जैसे मैं दिख ही नहीं रहा, मेरा से भी नहीं दिख रहा। तो ये बसंत काफ़ी मतलब सोफे इसके मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मन कर रहा है एक उठा कर ले जाओ। थैंक गॉड यहाँ पे म्यूज़िक नहीं चल रहा है, अभी मैं बैठा हूँ। खाने का ऑर्डर मैंने दे दिया है। अभी मैं यहाँ की वाइब दिखाता हूँ, इतने कंफर्टेबल सोफे हैं और भीड़ ज़्यादा नहीं है। मुझे थोड़ा सा ऐसे ही पसंद होता है जिस जगह पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो अक्सर भीड़ वाली जगह पे मैं जाना पसंद नहीं करता। अरे वो सीट गंदी हो रही है नीचे, अब वो आएगा तो चलो। मैं सोच रहा हूँ इसने इतने सारे सोफे लगा रखे हैं, इसको बोलो एक सोफा मुझे दे दे, मैं अपने घर ले जाता हूँ, गाड़ी में रख के अपने घर ले आके लगा लूँगा, है ना। काफ़ी कंफर्टेबल है यार, मेरी गाड़ी की सीट से भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये सोफ़ा है। यम्मी सी थाली तो लग रही है काफ़ी ज़्यादा आ गई है, जिसमें है अमृतसरी कुलचा, अमृतसरी कुलचा, छोला छाछ, सैलेड और ढेर सारी सॉसेस और अनियन। गाइस मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ बसंत ढाबे का, अगर आप लोगों को आना हो तो। मैं फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है अमृतसरी कुलचा और मैं खा भी फर्स्ट टाइम रहा हूँ। इसकी फीलिंग तो काफ़ी अच्छी है वैसे तो, आप लोग चाहो तो यहाँ आके रुक सकते हो, पहले मैं टेस्ट करके बताता हूँ। वाओ नाइस, टेस्ट तो अच्छा है, पता नहीं इसमें क्या क्या भरा हुआ है, आई एम हैविंग फर्स्ट टाइम। वाओ नाइस, छोले अच्छे हैं, शादी वगैरह में नहीं बनते हैं, यम्मी सा बिल्कुल वैसा छोला बना है। लस्सी आ गई मेरी, लस्सी भी हमें, खाना इज नाइस। गाइस खाना फिनिश हो गया और लास्टली आई एम हैविंग माय फेवरेट रसगुल्ला। दिखने में तो काफ़ी यम्मी दिख रहा है, वाओ। गाइस आई एम विद माय लस्सी और मैं वापस आ गया, फोटो नहीं खिंचाई, असीनू फोटो खिंचाती सी ट्रैक्टर उत्ते, पर वी आर बहुत टायर्ड और खाना ज़्यादा ही खा लिया है, हैवी होगा, बट हम फैलते फैलते बच गया, बच गया बच गया बच गया बच गया, लस्सी बच गई मेरी। हाय गाइस गाड़ी से निकल के मैं आ गया अपने घर, मिस्टर एक्स को कर रहा हूँ बाय बाय, वो देख ही नहीं रहे हैं, बाय 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 कर दिया, बाय कर दिया, देख लिया फाइनली। दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, अंधेरा हो रखा है। हो घर आ गया मैं, अरे मैं फोन अटक गया, बैंड बच जाती है ऊपर आने में, मेरा घर काफ़ी ऊंचाई पर है। हाँ पैदल पैदल सुबह ऐसे ही चला गया ब्रेकफास्ट करके, सारे बर्तन मेरे गंदे पड़े हैं, थैंक गॉड कि मैंने सुबह झाड़ू लगा दी थी। हियर इज़ माय रूम, ये देखो मेरे रूम की हालत, ये मेरे हाथों की हालत, हाँ जैकेट फ़ोन क्लचर गॉड, दिस इज़ मी। हाय गाइस मैं वापस आ गया और शावर लेकर भी आ गया हूँ, क्योंकि सुबह तो जल्दबाजी में मैं जैसे तैसे उल्टा सीधा नहाकर चला ही गया था, पर रोड ट्रिप में भी हालत ख़राब हो जाती है धूल मिट्टी, तो मुझे शावर लेना बहुत ज़रूरी था। हाँ बिकॉज एवरीबॉडी नोज कि आई एम ए नो सी डी पर्सन, सो मैं बिल्कुल भी डस्ट और वो नहीं झेल पाता हूँ। मैं नहाकर आ गया और अब मुझे जो ढेर सारे बर्तन पड़े हैं वो धोने हैं। बट मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी और लाइक दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।